बिहार कर्मचारी आयोग ने दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा निकाली है, लेकिन दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने में अभी दिक्कतें आ रही हैं। छात्रों का कहना है कि फॉर्म भरने में पेमेंट की दिक्कतें आ रही हैं। छात्र नेता दिलीप ने बकायदा एक वीडियो जारी कर बीपीएससी से समस्या दूर करने की मांग की है। दरअसल बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के बाद दूसरी चरण के भर्ती निकाली है, लेकिन अभ्यर्थी जैसे ही फॉर्म भर रहे हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसके बाद बीपीएससी से समस्या दूर करने की मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के फॉर्म भरने में कुछ समस्याएं आ रही है। हजारों अभ्यर्थी इस समस्या के कारण परेशान हो गए हैं। अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि उनका पेमेंट फंस जा रहा है और फॉर्म नहीं भरा पड़ा है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दो दो बार, तीन तीन बार, कुछ अभ्यर्थी तो चार चार बार पेमेंट कर दिए, लेकिन उनका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट फंस गया और वो आगे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। 9 साल के बाद बीएसएससी द्वारा इंटर स्तरीय बहाली आई है। लाखों अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और अभी फॉर्म भरने में जो समस्या आ रही है, तो इस समस्या की वजह से फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। तो हम बीएसएससी से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लाखों अभ्यर्थी जो 9 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो फॉर्म भरने से वंचित ना रहें। इसलिए बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि पेमेंट जो फंस जा रहा है या फॉर्म भरने में और जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी अभी परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो सके और वो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए फॉर्म भरने के बाद अच्छी से तैयारी कर सके और वो मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस न करें। इसलिए जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और साथ ही बीएसएससी से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि इस बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि अभी तक बीएसएससी द्वारा जो परीक्षाएँ हो रही है उसमें न तो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है परीक्षा बाद, ना ही परीक्षा के बाद क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, ना आंसर की जारी होता है, ना कटअप और ना ही मार्क्स बताया जाता है। इसलिए हम बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरी पारदर्शिता के साथ द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को पूरा कीजिए और एक तय समय सीमा के अंदर इस बहाली को पूरा कीजिए। 10 से 12 महीने यानी 1 साल के अंदर इस बहाली को पूरा कर दीजिए। अगर हो सके, संभव हो तो 8-9 महीना में पूरा कर दीजिए, लेकिन 1 साल से अधिक नहीं जाना चाहिए ये बहाली, क्योंकि इसमें पीटी के बाद फिर मुख्य परीक्षा होनी है, टाइपिंग होनी है, तो इसलिए थोड़ा समय इसमें लगेगा। हम भी समझ सकते हैं इस बात को, अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो जानी चाहिए। इस बात का भी बीएसएससी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो बहाली आई थी उस वो 8 साल के बाद। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो, जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213 0। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor. Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.